ये टीवी सबसे पहले तो इस पे आ रहा था वेलकम आबिद भट्ट, और फिर अब चैनल्स आ रहे हैं तो आबिद इज लाइक दिस इज द बेस्ट वे टू शो चैनल्स, इज सो ट्रू कि इस पे फिर आप कर्सर से राइट लेफ्ट करते हैं ना, दिस सो कूल, ऐसे ही होना चाहिए। ओ पीछे पीछे सरीना, ओ नाइस, तुमने इसका वेलकम पेज देखा था? चलो भाई, हो गई हमारी वेकेशन। एंड दिस इज द वे दे हैव सर्वड अस द फूड। ये टेबल पूरी अंदर आई, विच वाज कूल, दे वर लाइक हम इस टेबल को यहीं रहने दें, आई वाज लाइक प्लीज रहने दें। मेरी थाई चिकन करी थी, आबिद का बारबेक्यू प्लेटर था, सिवाय इसके कि हमें बिना वजह रोटी चावल मिल गए, एवरीथिंग वाज गुड। ये सरीना की सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि हैंडसम लोग आते हैं सर्व करने के हमारा रूम सबसे कोने वाला है और हमारे रूम से एलिवेटर की तरफ वॉक करते हुए इतना टाइम लगता है। सो सिंस आज हम इस्लामाबाद छोड़े हैं, सरीना से हम चेकआउट करेंगे और हम पेशावर के सरीना में जाके रहेंगे, तो मैंने सोचा आपको ये वाली वॉक दिखा दी जाए जो हमारे रूम से लेके एलिवेटर तक है। नॉट एग्जैजरेटिंग, इट्स अ लॉन्ग वॉक। Hello, hello, welcome to another vlog. It's a different day, it's another day. And आज हम सरीना इस्लामाबाद छोड़ रहे हैं और हम निकल रहे हैं पेशावर के लिए। It's going to be a two three hours ride. And अभी मैंने breakfast किया, सुबह सुबह नींद पूरी नहीं हुई भी, बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई भी, बस नाश्ते के नाम पे जो है वो आँख खुल गई, like आँख खुल नहीं गई, खुलाई गई आँख। I was supposed to wake up at 6 AM and I woke up at 6:30 क्योंकि हमें 8 बजे निकलने का प्लान हमने किया हुआ था। पहले आबिद 8 बजे बोला करता था, मैं बहुत सीरियसली लेती थी और अब मैं 8 बजे का मतलब समझती हूँ 9 बजे। सो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, उफ बहुत मज़ा आया। यू नो जब आप इस तरह के जो ब्रेकफास्ट बफेज होते हैं जो सुबह लाइक यूजली 6:30 से 10:30 तक रहते हैं, जब आप उसमें सुबह सुबह जाते हैं तो आपको बहुत ही स्पेशली अगर कोई अच्छा होटल है या कोई इस्लामाबाद में होटल है तो आपको फॉरेनर्स मिलते हैं एंड चिल माहौल चल रहा होता है। यूजुअली अपने काम के लिए आए होते हैं या कुछ कभी कोई प्लेजर ट्रिप के लिए आए होते हैं, राइट, यूजुअली काम के लिए। एंड जब आप 10:30 बजे के करीब जाते हैं ना, उससे पहले बिल्कुल, तो फैमिलीज दिखती हैं बच्चों के साथ भी, पैं पैं चे चे। So I'm just saying, if you wanna have बहुत ही सुकून से breakfast जिसमें आपको कोई घूर ना रहा हो लेकिन आपको देख के स्माइल कोई फिर भी करे सुबह सुबह, I love सुबह सुबह breakfast की फील। मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, मैं सुबह के टाइम करती हूँ breakfast लाइक होटल्स में ताकि मुझे ये वाली फील आए, बेशक बाद में सो जाओ पर ब्रेकफास्ट सुबह ही करो। एंड ऑल्सो उस वक्त सारी चीज़ें सेट हुई भी होती हैं तो हर चीज़ फ्रेश होती है, लाइक फ्रेशली सेट हुई भी होती है। एनीवे अब मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट। ओ एक और बात मैंने सुनी कि समवन वाज टेलिंग द अदर पर्सन कि अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए हो गया, ओके आई जस्ट मीट यू, आई जस्ट नीड टू ब्रश माई टीथ एंड आई ऑल्सो डू इट, आई ब्रश माई टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट हेल्दी थिंग टू डू। एंड आई नो हम देसी जो हैं वो पहले दांत ब्रश करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं, लेकिन द प्रॉपर वे इज़ टू ब्रश योर टीथ, बेशक रिंस कर लें आप पहले, मैं तो वो भी नहीं करती बिकॉज दैट सलाइवा इज़ बेसिकली गुड फॉर यू लाइक फॉर योर डाइजेशन, ब्रेकफास्ट एंड देन दांत ब्रश। आप मुझे कहता है बहुत चिल चल रही हैं, मैंने कहा हाँ चल तो रही हूँ, अभी मैं 2 कॉफ़ी के कप्स चढ़ा के आई हूँ ताकि दिमाग मेरा खुले। ये देखें कितना प्यारा ये टोट बैग है जिसमें आबिद को उन्होंने न्यूज़पेपर दिया, मैंने कहीं रख लिया एज ए सुवेनिर, लेकिन आबिद ने मुझे मना कर दिया। गाइस नॉट दैट आई एम अ चोर, ओके, मैंने भी अपने आप को मना कर दिया है। वाह बड़ा वाला भी ले गया, वाह checking out और हम जा रहे हैं अब पेशावर।
अब ये म्यूजिक है और ये मेरा लड़का म्यूजिक पे वॉक कर रहा है और इन्होंने भी कहा कि इन्होंने मुझे मेरे पे ये गाना डेडिकेट किया। Are you serious? Yeah. मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक यू। How do they know when you love this song? I love this song. ये उनके बीच में बैठ के तस्वीर खिंचवा ले सब खुदा मजा आ जाएगा। बैठ sure. ये मैंने मिनिसो से लिए 14 आवर्स आई नो एंड बाय द वे आई हैव डन इट ट्वाइस इन माय लाइफ एंड आई वाज क्राइंग बाय द एंड ऑफ इट लिटरली लाइक फर्स्ट टाइम तो आंसू से क्राइंग। हम अभी सोच रहे हैं अभी हम पेशावर जा रहे हैं बट पेशावर से फ्री होने के बाद वी विल गो टू हुंजा व्हिच इज अमेजिंग बट इट्स गोइंग टू बी अ 14 आवर्स ड्राइव सो आई डोंट नो हाउ बट आई डू रिमेंबर दिस वन राइड टू हुंजा फ्रॉम आई थिंक नारायण शागन समथिंग नारायण कागन एंड वाज लाइक फॉर 21 आवर्स उसकी एंड में मैं रोना शुरू हुई थी। So not thinking about that. Only thinking about Peshawar right now. And I'll just show you some mobile check. Mobile check. ये मेरा है. Neck pillow. मैंने सोच से बहुत ही बच्चों वाले options से. फिर ये मेरे buddy boy का है. Pink. And वहाँ मैंने लाल के लिया है blue. मेरा unicorns वाला है. So अब हम पहुँच रहे हैं Peshawar. Inshallah. Thai. Isn't Tomorrowland that music fest? So, ladies and gentlemen, हम पहुंच चुके हैं पेशावर और इट वॉज ओनली लाइक ढाई घंटे का रास्ता। क्या हुआ? मुझे आपने डरा दिया एकदम से जोर से बोल के। अच्छा, सो अभी सीन ये है कि आबिद और आबिद के जो कॉलीग हैं वो गए हुए हैं ऑफिस, जिस वजह से वो बेसिकली आए हैं काम के लिए। एंड इट वॉज अ वेरी पतली सी गली, तो अभी जब हम गूगल मैप भी देख रहे थे तो हमें यकीन नहीं आ रहा था अच्छा वाकई इस गली में जाना है। और पार्किंग लॉट जो है ना वो उसका ये है। सो आई एम स्टेइंग हियर लाइक इन द कार एंड दिस इज माई सिक्स्थ टाइम इन पेशावर। मैं बहुत रैंडम डिफरेंट रीजन से पेशावर आई हूँ। मेरे कुछ इनफैक्ट मेरा सारा बहुत सारा मेरा जो काम है ना उसकी वजह से मैं पेशावर आई। पहले मैं USAID के प्रोजेक्ट के लिए आई थी एंड देन मैं शेंगरीला के प्रोजेक्ट्स के लिए आई। एक दो और भी बीच में प्रोजेक्ट्स थे जिसके लिए आई हैड टू लाइक ट्रैवल अक्रॉस पाकिस्तान एंड सो आई केम टू पेशावर। एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट टाइम इन पेशावर, मैंने कभी देखा नहीं था तो मैं इतनी डरी हुई थी कि लोग मुझे जज करेंगे कि मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। देखिए जैसे अभी भी मैंने एक शॉल चादर ली हुई है लेकिन इट्स ऑल्सो फॉर द रास्ता, बट आई एम नॉट स्केयर्ड बिकॉज पेशावर के लोग इतने अच्छे हैं, ट्रस्ट मी इतने अच्छे हैं। और ये मैंने बात पहले भी अपने एक ब्लॉग में की थी कि मुझे इतना सिक्योर लाहौर में फील नहीं होता जितना मुझे पेशावर में होता है। रीज़न बीइंग कि बहुत सादा सिंपल लोग हैं। और ड्राइवर का मोबाइल बज रहा है, ये दूसरों को जज नहीं करते और अगर
जिसने जैसे भी कपड़े पहने हो बिल्कुल जज नहीं करते। मुझे याद है कि मैंने पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ काम से, तो मैंने तो सर पे दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ था, बट नोबडी स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे घूर के देखा ही नहीं। तो ये बातें होती हैं यार जो बड़ी अच्छी लगती हैं आपको किसी भी मुल्क, किसी भी सिटी के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, कि जिसको जैसी ड्रेसिंग करनी है वो करे, लेकिन आप दूसरे को घूरे नहीं। सो जो हम दूसरे को कहते हैं ना कि भाई पर्दा करें, तो एक्चुअली नज़र का पर्दा अगर किसी पे अप्लाई होता है तो वो पे शावर सरीना में हम एंटर हो चुके हैं। आई हैव अ फीलिंग गाइस कि ये पहले पीसी था, मुझे लग रहा है ये पीसी वाला ही इन्होंने है ना, पहले पीसी था ना ये। हाँ, आई हैव स्टेड हियर, बट अब उन्होंने इसको सरीना कर दिया। And my next vlog is going to be about Peshawar Serena. So let me know if you're interested by subscribing to my channel. And also tell me in the comments below